रवि, वो अभी थोड़ी देर पहले तुम किससे फोन पे बात कर रहे थे? तो तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में सो रही थी, मतलब थोड़ी कच्ची नींद में थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम किसी से बात कर रहे हो, इसीलिए सोचा पूछ लूं। क्यों, नहीं बता सकते? नहीं, तुम पूछ सकती हो, तुम्हें पूरा हक है, और मैं जरूर बताऊंगा। वो एक्चुअली चाची का फोन आया था और उन्होंने बोला कि साक्षी की मेहंदी की रस्म अगले 2 घंटे में है। 2 घंटे में, मतलब आज ही मेहंदी है? अभी सुनो ना, देखो मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहती कि साकेत जी और साक्षी की शादी हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और साकेत जी के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन बस इतना मान लो कि शादी हमारे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर ये शादी हो जाएगी ना, तो चाची की सारी टेंशन दूर हो जाएगी और हमारे घर में भी खुशहाली आ जाएगी, और साक्षी उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा, खुशहाल ज़िंदगी जी पाएगी। इसीलिए प्लीज़ ये शादी खुशी खुशी हो जाने दो ना, प्लीज़ मेरे लिए। देखा, मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार और साक्षी की खुशियों के बीच में कभी नहीं आऊंगा। ओके, अरे भैया, भाई काम करो, फटाफट तैयार हो जाओ, जाना है भाई। ओके चलो फटाफट, जल्दी करो। अरे चोट लगी है, अकेले कैसे तैयार हो? अरे तो मैं हूं ना, मैं तैयार करूंगा तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरा मतलब ये है कि मैं एक एक करके सामान लेके आता रहूंगा, तुम तैयार होती रहना। ओके, तो तुम ये, थैंक यू। रवि, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हें पता है कितनी देर हो गई है मुझे? हाँ, सब लोग वेट कर रहे होंगे मेरा, साक्षी, चाची। कह रही थी कि साक्षी ना बचपन से शैतान थी।
नाइस। थोड़ा जल्दी कर लो, लेट हो रहे हैं, चाची वेट कर रही होगी। ओके, मैं बाहर वेट करता हूँ। सोनी लगा रही है पर इतनी अच्छी लगा कि दुनिया देखती ही रह जाए। वैसे मैंने सुना है कि अगर होने वाला पति अपने हाथों से मेहंदी लगा तो मेहंदी का रंग और गहरा हो जाता। अच्छा जी, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कुड़ियों कौन दो इनको मेहंदी लगाने के लिए, जाओ स्केच। क्यों ऐसे क्यों? मिले साहब, जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अभी तो रस्म बाकी है। मैं तो तुम्हारा स्वागत करने आया था। ओह, साक्षी और मेरी शादी कल ही हो रही है, सोच के तुम्हें झटका तो लगा होगा। झटका तो लगा, लेकिन ये देखकर नहीं बल्कि ये देखकर कि तुम अपने महाकाल का स्वागत करने जा रहे हो जो तुम्हारा अंत करेगा। तुमने अपनी शादी के दिन कम करके अपनी लाइफ के दिन कम कर लिए। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है मेरे साथ। बड़ी बड़ी बातें, साकेत कपूर के बारे में जानता ही क्या तू? तेरे सारे प्लान्स मिट्टी में मिला दूंगा, उल्टी बंद हो जाएगी तेरी। अरे ये आपके हाथ में क्या हुआ? ये कुछ नहीं, ऐसी चोट लग गई। तू पहले मेहंदी दिखा, दिखा। बहुत सुंदर है, सर पे भी चोट लगी हुई है। जी तुम लोग क्यों इतना टेंशन लेते हो, छोटी सी चला दो मुझे। ये देखो। हाय अम्मा, तुझे तो कितनी सारी चोटें लगी। इतना बेरहम आदमी है, जिसने गाड़ी से मेरे लाडो को उड़ाया और भाग भी गया। चाची गलती मेरी थी, वो मैं ही देखकर नहीं चल रही थी, इसीलिए पता ही नहीं चला कब गाड़ी आ गई। गलती मेरी थी, वो क्या है कि मैंने ही देविका का हाथ पकड़ के गाड़ी के सामने फेंक दिया था। चुप कर बदमाश, जो मुंह में आए वही बोलता रहे। तू तो सबसे पहला इंसान होगा जो मेरे लाडू को इस तरीके से देख के उससे ज्यादा रोया होगा। वैसे भी तू और मैं इससे कोई तकलीफ होने देंगे, ऐसे हो सकता है? ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और वैसे भी एक पति तो होता है जो अपनी पत्नी की रक्षा करने का वचन देता है और सारी उम्र वो निभाता है। और एक पत्नी अपने पति से एक यही उम्मीद रखे जिंदगी भर, वो उसका ख्याल रखे, उसे प्यार करे। है ना रवि? जी चाची, राइट। चाची आपने देखा, अपनी सारी जिम्मेदारी मुझे देकर खुद बेफिक्र हो गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगा इसका।
हमेशा हमेशा। आओ चलो बैठो तुम अभी। रवि मैं ठीक हूँ। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि तू देविका को संभालने में बिजी रहे, अब मेरे खिलाफ कुछ करने का चांस ही ना मिले। हेलो। हाँ भाई, अरे गुड न्यूज है, साकेत ने मोंटी और साक्षी को फंसाने के लिए जिससे ड्रग्स लिए थे ना, वो ड्रग सप्लायर हमें मिल गया। ये तो बड़ी अच्छी न्यूज है। देख कर काम कर, उस आदमी का ध्यान रख, तुम्हारे बहुत काम आएगा आगे। ओके जी भाई। एंड एडी थैंक यू सो मच। एक बात और, मोंटी के बारे में कुछ मालूम हुआ? अरे भाई उसका तो मैंने पता कर लिया था, मगर आज सुबह सुबह ना साकेत ने उसको कहीं और शिफ्ट करा दिया है। और तो और उसने तो चरण सिंह को मारने के लिए गुंडे भी भेजे थे। क्या? नहीं नहीं अब वो सेफ है, हमारे साथ ही है। हाँ यानी ये आदमी बहुत ही खूनी है और बहुत ही शातिर है। तो एक काम कर, चरण सिंह का ध्यान रख, उसे अपने साथ रख, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जी भाई। और हाँ, तुझे आजाद का प्लान याद है ना, उस पर फोकस रख। ओके भाई। तू अपना ख्याल रख, मैं फोन रखता हूँ। ओके अपने आप को 30 मार कहाँ समझता है ना तू? 2 दिन में शादी की चाल चली है तुम्हें, और एम एल ए साहब तुम देख लेना, फिर महले पे दहला मारने वाला रवि ग्रेवाल ही होगा। रेखा अंजू लगी नहीं रहा का इसे के ब्याह वाला कर रहा है, कुड़ी की मेहंदी की रस्म है, इतने चुप चुप इतने हो रहे हैं सब कुछ। उठो कुड़ियों पल्लवी, कुछ रौनक शौनक लगा देवी का है। डांस नहीं करूं? अरे हमारी मेहंदी है, डांस तो करना ही होगा। ओहो शर्मा आ क्यों रही है, मंगेतर ही तो है तेरे। चल उठ कर ले डांस इनके साथ, चल चल शाबाश करो सके जी, करो डांस करो आप। साहब जरा हमें भी मौका दीजिए अपनी साली साहिबा के साथ डांस करने का। क्यों नहीं, शौक से। रवि देखना लाडू का भी डांस करने का कितना मन हो रहा है। चाची इतनी सी बात? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अब देखो आप मेरा कमाल, मैं क्या करता हूं।
मिस देविका अग्रवाल, क्या आप रवि अग्रवाल के साथ डांस करेंगी? अभी डांस नहीं कर पाऊंगी, चोट लगी है ना, तुम जाओ ना। अरे इतनी सी बात, मैं हूं ना, मैं कराऊंगा डांस, ओके? ऑफिस में इन्फॉर्म किया कि वाइफ का एक्सीडेंट हुआ और यहाँ यहाँ उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके साथ डांस कर रहा है। मिस लूथर, वैसे मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, अपने प्यार को किसी और के साथ कोई कैसे देख सकता, ये तो वही बात हुई ना, दिल के हजार टुकड़े में, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। मिश्रोत्रा, आप देविका, इफ यू डोंट माइंड, मैं रवि के साथ डांस कर सकती हूँ? कम, लेट्स गो। मेरी रहने की जगह क्यों बदल रहे हो? और ये जगह तो पिछली जगह से भी ज्यादा खराब है, यहाँ नहीं रह पाऊंगा मैं, दम घुट रहा है मेरा। और तुम तो कह रहे थे कि कुछ दिन बाद मुझे घर वापस भेजोगे, तो तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो? मोंटी मोंटी, मैं अपना प्रॉमिस कब का पूरा कर देता, बीच में अगर ये प्रॉब्लम नहीं आती अब तक तुम अपने घर पे होते। कौन सी प्रॉब्लम? हमारे घर में किसी को तुम्हारे ठिकाने के बारे में पता चल गया। इसका मतलब मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे ना, शायद लोगों ने मुझे माफ भी कर दिया होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारे खिलाफ शिकायत करने जा रहा था। मेरे खिलाफ? मेरे घर वाले? ऐसा कौन करेगा? और कौन, तुम्हारा अपना भाई रवि बहुत ही गुस्से में था, वो तो तुम्हें जेल में बंद कराना चाहता है। वो तो अच्छा उस पुलिस वाले का, उसने बात सुन ली और मुझे बता दिया। और तुम्हें पता है साक्षी और तुम्हारा जो कांड हुआ ड्रग्स वाला, उसके जिम्मेदार तुम्हें मान रहा हूं, इसीलिए ठिकाना बदलना पड़ा मुझे। और सिर्फ दो तीन दिन की बात है, उसके बाद तो अपने घर चला जाएगा, टेंशन मत ले तू। दो दिन बाद मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन दो दिन में ऐसा क्या होने वाला है? मैंने कहा ना, और मैं जो कहता हूँ वो कर दिखाता हूँ, है कि करता हूँ ना मैं। और एक तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी प्लान किया मैंने, बहुत खुश हो जाएगा वो देख के तू। थैंक यू साकेत, थैंक्स अ लॉट। कैसी बात कर रहा है तू, भाई है मेरा। अब तो खुश हो जा मांडी, क्योंकि दो दिन में मेरी और साक्षी की शादी हो जाएगी, तब लगेगा झटका तुझे।